तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज है 6th of July और अभी 1:30 हो रहे हैं। मैंने इतने लेट व्लॉग इसलिए शुरू किया यार क्योंकि सुबह से तो मैं घर पे था। वैसे आज मेरा कोई काम नहीं है, मेरा कोई कॉलेज नहीं है, बट आज वोल्ट की मीट है तो आज वोल्ट का 3rd सेशन लगने वाला है। वोल्ट जिनको नहीं पता यार, वॉलंटियर प्रोग्राम लंगारा का, जैसे आप लोग आते हैं तो जो बच्चे ओरिएंटेशन करते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वो मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं ट्रेन हो रहा हूँ। बाकी भाई वो जो बताते हैं मेरे को पहले आता ही होता है क्योंकि मैंने सारी अपनी वीडियोज़ में समझाया हुआ है, वो तो वो सब सीन है। और अभी जैसे वो तो मीटिंग है 4:30 बजे, बट अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा हो, मेरी एप्पल वालों के साथ आज अपॉइंटमेंट है क्योंकि मेरे फ़ोन में आ रही है दिक्कत, तो 3 बजे वहाँ पहुँचना है। तो अभी 1:30 होया है, अभी मैं बस फ्रूटी खाना जा रहा हूँ क्योंकि यार थोड़ी सब्जियाँ लानी है, घर में कुछ नहीं है, सब खत्म हो रखा है, तो फ्रूटी खाने से सब्जियाँ लानी है। तो घर के पास ही मैं कहा 1:30 से 2 काम कर लेते हैं, फिर 2 बजे मेट्रो टाउन निकलेंगे। मेट्रो टाउन ही है मेरा वो काम। अभी गर्मी इतनी हद हो रही है ना, मतलब अभी से पसीना आने लग गया है और गर्मी का इफेक्ट दिख भी रहा है। वही लॉन्ड्री पहले 2 हफ्ते बाद होती थी, अब 1 हफ्ते बाद ही होने लग गई है क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी के चक्कर में वो कपड़े भी यूज़ तो होते नहीं वापस, बहुत ज़्यादा चक्कर है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो मतलब वैंकूवर और सरी साइड तो समर तो हद पड़ती है यार। तभी मैंने इंडिया से कपड़े मंगाए थे क्योंकि कपड़े कब मैं सर्दियों के लाया था और यहाँ पड़ रही है हद गर्मी जो कि डलते ही नहीं बिल्कुल भी। भाई प्लान में थोड़ा चेंज है, मुझे बॉस्टन वीज़ा दिख गया और आज पेचेक आना था। मैं पहले पेचेक उठाते हैं उसके बाद फ्रूटी खाना उठाते हैं, बट मैं सच बताऊँ 40 तो हो गया, मुझे लग नहीं रहा फ्रूटी खाना का काम होगा। मैंने अंदर जाते बातें मारने लग जाने लोगों से भाई बहुत होता है ना। पिछले ट्यूजडे भी मैं 10 मिनट के काम के लिए गया, मैं कहा 10 मिनट में वापसी, 1.5 घंटे बाद वापस आऊँगा बातें बूते मार के। यही है, चलो चलते हैं, उठा देते पेचेक, कर लेंगे फिर फ्रूटी खाना का। मतलब अगर टाइम मिला, मैं 5 मिनट में आ गया, फ्रूटी खाना भी हो लेंगे, पहले पेचेक तो उठाए यहाँ से। यार पेचेक तो ले लिया, टाइम से निकल भी आया, बट भैया भाई 10 मिनट तो लगी जाते हैं, टाइम से निकलाया पर अब बीच में उलझ गया हूँ भाई। वैसे तो मैं जा रहा हूँ फ्रूटी खाना, पर चक्कर है अब फ्रूटी खाना से सब्जी लेके घर भी जाना पड़ेगा फिर से वापसी 15-20 मिनट उसमें, क्योंकि अब मैं वोल्ट की मीट में या एप्पल के स्टोर पे आलू प्याज ले जाता तो अच्छा लगूंगा नहीं ना थैले में, तो मुझे घर भी छोड़ना पड़ेगा सारा सामान। यार वो ये अब इधर तक आया ही, वही कर ही लूँ काम, एप्पल थोड़ा 10 मिनट लेट भी हो गया, कौन सा ट्रूडो के साथ अपॉइंटमेंट है मेरी। चलो चलते हैं, सामने फ्रूटी खाना आ गया, उठाएँ यहाँ से सब्जियाँ फिर चलें। तो फ्रूटी खाना का काम हो गया और मैं 15 मिनट लेट चल रहा, इससे ज़्यादा नहीं, बस वहाँ पे 3 बजे पहुँच रहा था, 3:11 ही हो गया, सामने से बस जाती दिख गई है, 10 मिनट वहाँ वेट करना है, तो देख लो बस 1/2 घंटा लेट हूँ, इतना ही है। लो जी एक और काम रह गया। भाई मैंने सोचा था वोकल गार्ड आया था स्क्रीन का तो बैग में रख लूँगा, एप्पल वालों ने बदल रहा तो है नहीं, तो मेट्रो टाउन वो लगवा लूँगा जाके, तो घर पर रहेगा। चलो कोई ना, चलते हैं यार, निपटाए भाई काम। एक तो गर्मी हद हो रही है यार, इसी बहाने ना चलो घर गया, पानी की बॉटल उठा दी, बहुत गर्मी हो रही है आज, ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, कुछ ना इंडिया वाली फील आ रही है, तो चंडीगढ़ में जो गर्मी पड़ती थी ना, हद हद भाई, लिमिट्स क्रॉस हो रही है आज तो। पता नहीं टेम्परेचर इसमें दिख नहीं रहा मेरी वॉच में, मैं खुद दिखा रहा था कितना टेम्परेचर है, 20-25 तो होएगा, 20-25 लोगों को कम लग रहा होगा, बट भाई जैसे हमने माइनस वाला झेला हुआ तो 20-25 में हमारे धुएँ निकले हुए हैं, ये हाल हो चुका है। मतलब यार हाल देख लो, बस स्टॉप के पीछे खड़ा होना पड़ा है धूप से बचने के लिए। अब अरे यार यहाँ पे घर ले तो लो, मतलब जैसे मेरी जो प्लेस है जहाँ पे मैं रहता हूँ उस वहाँ पे जो बस सर्विस है वो हद अच्छी है भाई, मतलब हर 10 मिनट के अंदर आती है दो बसें, तो मतलब 2 बसें आई जाती है, तो यही ड्रॉबैक होता है। अब मैं बिना देखे निकलाया हूँ घर से बाहर और सामने से निकल गया 10 मिनट वेट करो, तो मतलब ये ड्रॉबैक तो है कि ना, अरे जब जैसे मेरा भाई शुरू से जब से मैं आया हूँ मैंने आज तक ट्रांजिट खोल के देखा होगा जब मैंने कॉलेज जाना होता है कि बस कब है, मुझे पता 10 मिनट में आई जानी है, ये ड्रॉबैक तो होता है। और यार बहुत लोग पूछते हैं अकोमोडेशन का कि कहाँ लेनी चाहिए, मेरा तो सिंपल रहता है भाई, जहाँ पे ट्रांजिट अच्छी है वहाँ लो, बस से सफ़र करना है 2 साल तक, तो अगर आपका प्लान नहीं है कोई गाड़ी लेने का, 2 साल बस से सफ़र करना है तो भाई ट्रांजिट जहाँ पे अच्छी है वहाँ लो। पास का ट्रेन स्टेशन का यार ये सीन होता है, मैंने तो बहुत ट्राई कर ली, मतलब मेट्रो टाउन मिल जाए, रॉयल ओक मिल जाए, इंडिया वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ हो गया समझ आ जाएगा, मतलब कि स्काई ट्रेन स्टेशन के पास मिल जाए वो भाई नहीं मिलता, सस्ते में तो कहीं नहीं मिलता। रेंट इतना हद हो चुका है ना यहाँ पे वैंकूवर वगैरह, मैं फेब से वैंकूवर शिफ्ट होना चाहता हूँ, 600-650 एक्सक्लूडिंग यूटिलिटी से नीचे मिल ही नहीं रहा, जो मिलता है वो कहते लीज़ करो, लीज़ मैंने करनी ही नहीं, बहुत साफ है मतलब। बाकी यार ठीक है, चलो ये जगह भी ट्रांसपोर्ट तो अच्छी है, बट वो जो सुबह 8:30 वाली क्लास होती है ना उसमें बहुत दिक्कत आती है, सुबह सुबह जो 1.5 घंटा जाना होता है ना, 5 बजे उठो, वो थोड़ी दिक्कत है, बाकी लोकेशन तो मेरी सही है। तो अपनी अकोमोडेशन ठीक से लेना यार, जहाँ पे ट्रांजिट अच्छी हो, ये तो बहुत दुखी हो जाओगे सच में। तो मैं एप्पल मेट्रो टाउन तो आ गया हूँ और पूरे 20 मिनट लेट हूँ, किस सॉरी सामने एप्पल है, चलते हैं, तो ये एंटरटेन करने से मना करते, तो 20 मिनट लेट आया है, देखते हैं क्या बोलते हैं भाई ये। भाई लेट आया हूँ, उन्होंने मूव करने को कह दिया, कहते हैं वेट करो 20 मिनट और, पहले लेट हूँ ऊपर 24 मिनट वेट करनी पड़ेगी, अब आया हूँ करा के जाऊँगा भाई काम, वेट करते 20 मिनट, रश तो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब मेट्रो टाउन वाला मेन मॉल है तो रहते ही है यार रश। यहाँ पर मेरा एप्पल का काम हो गया,
और इन्होंने बोला हार्डवेयर में दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो सकती है पॉसिबली। वो हार्डवेयर में तो मेरे को पता था इनके टेस्ट में निकलनी भी नहीं, तो सॉफ्टवेयर में कहते हैं फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा फ़ोन को अगर हुई भी, ये हमारी पॉलिसी है। मैंने कहा वो तो मैं करने से रहा अब इतना, मतलब क्योंकि यार इतनी दिक्कत है नहीं, बहुत रेयर ही होती है, 15-20 दिन में एक बार बहुत 2 सेकंड के लिए हैंग हो गया, वो दिक्कत है। मैं तो ऐसे ही देखने आ गया था, वो तो मैंने करना नहीं, तो मैं कहा छोड़ो तुम। और यार अभी मैं नाइकी भी गया था भाई, कोई जूता पसंद नहीं आया, मेट्रोडॉन पसंद नहीं आया हद होगी, क्योंकि मेट्रोडॉन ना अपना होती है तो मतलब वैरायटी, क्योंकि मैं कार्थर वगैरह फैक्ट्री आउटलेट है वहाँ पे सस्ते हैं बट वैरायटी नहीं होती, यहाँ पे वैरायटी होती है बट महंगे होते हैं। तो मैं ट्राई मार के देख सकते हैं, पसंद मेरे को यहाँ पे भी नहीं आया। तो शाम को मैं कार्थर जाने का प्लान है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्नीकर्स लेने हैं, कपड़े तो मंगा लिए नहीं, ऐसे जूते नहीं मंगाए जाते, स्नीकर्स लेने। और अभी मैं स्पोर्ट्स चेक भी जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख लेते हैं कोई जूते मिलते हुए, ट्राई मार रहा हूँ मैं। एक यार कल्ले बंदे की चॉइस नहीं होती, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कल्ले बंदे की चॉइस नहीं होती। चलो यहाँ पे भी ट्राई मार लेते हैं, टाइम तो थोड़ा बहुत है ही है। तो भाई ये पसंद आ रहा है आउट ऑफ बजट, एक ही पसंद आया आउट ऑफ बजट, तो ये सब सीन है, मैं कार्थर देखना पड़ेगा। सर कॉलेज में आ गया हूँ और बोर्ड की मीट है बस 2 घंटे की L224 में, वैसे टी बिल्डिंग होती थी, इस बार लाइब्रेरी में है, तो जाके वो बोर्ड की मीट लगाते हैं। अब से थोड़ा पेस होना शुरू हो गया है, पहले तो मजे में जाते थे, अब थोड़ा सिखाएंगे ये लोग। और मैंने ऋत्विक भाई को बोल दिया, मैं कहा अगर तू फ्री हुआ तो प्लीज़ मैकआर्थर चल ले भाई, चॉइस हो जाएगी जूते लेके आने आज, तो अगर वो आ पाया तो आ जाएगा, फिर हम मैकआर्थर चले जाएंगे। ये तो भाई मैं घर को और आज कड़ी चावल बनाने, मेरे घर जाके बहुत मन हो रहा है, मतलब सारा कुछ तैयार है, बस घर जाके कड़ी बना ही आ। तो चलो यार वोल्ट की मीट लगाएगा पूरे टाइम पे, वो हो गई 30 पे, 26 तो यही हो गया भाई, इनकी भी कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। 7:45 बजा दिए, 6:30 के देखना, मतलब 7:45 हो गया है, 6:20 ख़त्म होनी थी, लेट और हो चुकी है। भूख भाई हद भूख लग रही है, मतलब इन्होंने क्या बुलवाया है, इतनी अब भूख लगी है ना, जान निकल रही है भूख से। कॉलेज का मैं आपको व्यू दिखा दूँ, सामने भाई व्यू देखो, मतलब ये वेलकम फिगर है भाई लंगारा कॉलेज की, जिनको नहीं पता व्यू देख लो कितना बढ़िया और है। शाम हो रही है, एक तो कैंट व्यू रखा भाई कॉलेज का, तो ये है। और चलो यार सर ही निकलते हैं, टाइम लगेगा 1.5 घंटा जाने में, बीच में रुकना था नहीं, पहले मैंने मैकआर्थर जाना था बट अब मेरा कोई प्लान है नहीं मैकआर्थर जाने का, क्योंकि ऋत्विक मना कर गया वैसे ही, मैं कहा मैं कल्ला तो जाने से रहा, तो चलो चलते हैं कड़ी चावल बनाते हैं, पहले तो मतलब वैसे ही रोटी खाऊंगा फिर कड़ी चावल बनाते हैं कल के लिए, क्योंकि कल मेरी पूरा दिन शिफ्ट है, तो पैक करके निकल लूँगा मैं। अरे इतनी गंदी नींद चढ़ी हुई है ना बस के अंदर, मतलब मैं मेट्रोटाउन वाली बस में जो लंगारा से मेट्रोटाउन आती है बस में इतना गहरी नींद में सोया, मैं खुद लड़की ने उठाया है भाई, उड़जा स्टॉप आ गया है। नहीं तो आज मेरा फिर प्लान था बस डिपो जाने का, एक बार मैं पहले भी गया हुआ हूँ, जिनको नहीं पता मैं ऐसे सोता सोता चला गया था, वापस भी आया था मैं वहाँ से, तो आज फिर से प्लान था नहीं था यार, क्योंकि ना मैं बैठा वो था जो डबल लेंथ बस होती है उसकी बैक साइड सीट भी होती है ना, उसमें ड्राइवर को पता नहीं लगता, तो मैं सोता रह जाता बस। और जैसा सबको पता है कि मैंने कड़ी बनानी थी, तो वो बन रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा ठीक है कि नहीं है, क्योंकि कलर तो ठीक है, अगर देखा जाए देख लो तो कलर तो थोड़ा ठीक ही है, येलो कलर, ओहो हो तो कलर ठीक आ रहा है, बट अब चक्कर है मैं भूल गया हूँ ये चढ़ाई कब थी मैंने, और सीखी जा रहा हूँ बस मैं, 10-15 मिनट और देखते हैं, सुबह बंद कर देंगे, लेकिन तो सुबह ही जानी है, पर मैं अभी बना के सो रहा हूँ, ये तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, पता नहीं घर में पंखे हैं नहीं है, गर्मी के चक्कर में ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो यही सीन है, देखते चलो। वह ये बनाया भाई किचन में खड़ना भी, मम्मी पता नहीं कैसे खड़ती थी किचन में खड़ना, औखा ही काम है गर्मी में, हम तो एसी में बैठे रहते थे, मम्मी बेचारी किचन में खड़ी होके। चलो कोई ना चलते हैं अंदर यार, मतलब पहले इसको बनाए उसके बाद अंदर आके काम करते हैं। मेरी कड़ी कुड़ी का पता नहीं, मतलब बन गई यार, पर मेरी तबीयत हद ख़राब होगी, और गर्मी में वैसे खड़ा था और गर्मी चढ़ गई है, बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मैं बस अभी ब्लॉग एंड करने के लिए कैमरा खोला है, मैं क्या इसके बाद भरोसा नहीं है मैं हालत में बचूँ ना बचूँ, पता नहीं भाई क्या हो गया है, कल बैच ने दिक्कत दी, अब आज ये तबीयत ख़राब हो गई है, सुबह सुबह कॉलेज है एक तो। चलो कोई ना अभी ब्लॉग एंड करते हैं भाई, मेरी झिके कभी भी शुरू हो सकती है वापस, बहुत अजीब सी अंदर से फीलिंग है, जिनका एलर्जी होगी वो समझ जाएंगे, अभी मुझे वैसे एलर्जी है, तो यही है अभी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं यार, कल मिलता हूँ। आई होप आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।